देख रही हैं नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट, मैं हूं आपके साथ सिरा। बिहार में आज 29 मार्च को महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल हो गया। आरजेडी 26 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा तो वहीं कांग्रेस के हाथों सिर्फ 9 सीटें आई हैं। वहीं भाकपा माले 3 जबकि मकपा और भाकपा एक एक सीट पर चुनाव जो है लड़ेंगे। बता दें कि वहीं इन सबके बीच पप्पू यादव को लालू यादव ने जोरदार झटका दिया है। पप्पू यादव का इमोशनल कार्ड भी काम नहीं आया और पूर्णिया सीट हाथ से निकल गई। कांग्रेस ने भी पप्पू यादव के लिए बहुत ही ज्यादा जोर लगाया लेकिन लालू यादव के सामने कांग्रेस बेबस नजर आई। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया था कि दुनिया छोड़ दूंगा लेकिन पुनिया नहीं छोड़ूंगा और पप्पू यादव के पास केवल एक ही अब विकल्प बचा हुआ है। अब पप्पू यादव के पास सिर्फ दो ही विकल्प बचे हैं, या तो पप्पू यादव कांग्रेस से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़े या तो फिर वह कांग्रेस की दी हुई सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाए। आरजेडी जो है गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और बक्सर, पाटलिपुत्र, मुंगेर, जमुई, बांका के साथ ही वाल्मीकि नगर सीट पर भी चुनाव लड़ेगी। इन 10 सीटों के अलावा पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, उजियापुर, दरभंगा, मधुबनी और जहानाबाद में भी राजद के उम्मीदवार होंगे। झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और हाजीपुर भी राजद के कोटे में है। कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और पटना साहिब और बता दें कि सासाराम के साथ ही महाराजगंज की सीट भी दी गई है। सीपीआई एमएल को आरा, काराकाट, नालंदा, वहीं सीपीआई को बेगूसराय और सीपीएम को खगड़िया सीट मिली हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।